Hey guys, welcome back to my channel and please मुझसे connected रहने के लिए Instagram पे follow कीजिए जो भी queries है पूछिए ये video specially इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे specially इतने सारे लोग पूछते हैं कि numbers है interview दे सकते हैं या नहीं तो overall मैंने सोचा यही एक video बनाऊँ जो शायद लोगों की जरूर help करेगी video जो है please start से लेके end तक के बिल्कुल भी skip मत करना हर एक point जो है important है please अगर आपके numbers नहीं है तो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि आईज के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ नंबर निकालने का सबसे पहला तरीका आंखों का है ऑब्वियसली लेजर सर्जरी बट इतनी महंगी होती है लेजर सर्जरी कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट राइट तो उसके अलावा नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके भी है कुदरती ऐसे तरीके से जिससे लोगों के गारंटीड आंखों के नंबर जा चुके हैं उसमें जो है क्या होता है कि कुछ खाने की रिलेटेड चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है कुछ आई एक्सरसाइजेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और यस इट वर्क्स क्यों क्योंकि हम लोगों ने बस मॉडर्न साइंस पे भरोसा बना लगे सोचो जो पुराने ज़माने के लोग थे तब किस चीज़ के डॉक्टर होते थे तब तो चश्मे भी नहीं होते थे और वहाँ पे अगर लोगों की आँख कमज़ोर होती थी विजन की प्रॉब्लम होती थी वो लोग नेचुरली हर चीज़ को क्योर करते थे ठीक है और जो है एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई आंखों के डॉक्टर नहीं हूँ तो इन दी अगर आपको सबसे पहले कोई भी आंख रिलेटेड प्रॉब्लम है जाओ और सबसे पहले डॉक्टर को देखो और जो है डॉक्टर को ही देखो ना कि जो है लोकल शॉप होती है कुछ लोग क्या करते हैं आंखों में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती सोचते कह रहे हैं हाँ चलो नंबर हो गया रहेगा जाते हैं लोकल शॉप में वो लेता है कितना यार 200-100 रुपया लेता है और आंखें चेक कर लेते हैं वो लोग सिर्फ आपको चश्मे का नंबर बताएंगे आंखों के अंदर क्या प्रॉब्लम है आपकी आंखें आंखों के अंदर की मसल्स वीक है कि नहीं आपकी आंखों की मसल में कितने विटामिंस की जरूरत है कितनी ड्राई हो गई है आपकी आंखें ये सब वो चीजें नहीं बताएंगे इसलिए प्लीज सबसे पहले लोकल ऑप्टेशन की दुकान छोड़कर सबसे पहले एक प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाइए वेरी इंपॉर्टेंट लोग क्या करते हैं कि आंख में थोड़ा सी भी नंबर आता है तो वो ही नंबर का चश्मा पहनते हैं नंबर हटाने का जो है जितने लोगों से मैंने पता किया है उन लोगों के नंबर उससे जो भी आंखों में नंबर है उससे कम नंबर वाला चश्मा पहन के उनके नंबर हटे हैं सो आपकी चश्मा जो है आंखों का है 0.5 तो 0.25 ले लीजिए क्यों क्योंकि अगर आप 0.25 लेते हो तो उसमें जो है आप आंखों को जो है स्कोप नहीं दे रहे हो कि वो आपकी आंखों को कम नंबर की आदत हो जाए इनफैक्ट आपकी आंखों को वो ही नंबर की आदत हो जाएगी इनफैक्ट ये रिस्क है कि आपका नंबर बढ़ सकता है विच इज वाई मैक्सिमम लोगों का जो है नंबर बढ़ जाता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा 0.5 अगर कम नंबर में आदत लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी आंखें उसमें भी उस तरीके से ट्रेंड है कि आप उससे भी प्रॉपरली देख पा रहे हो यह है कि आपका नंबर एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं और चांसेस है थोड़े कि आपका नंबर कम हो सकता है अब मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताती हूँ जिससे जो है आपकी आंखों की मसल्स स्ट्रांग होगी सबसे पहली जो है आंखों की एक्सरसाइज के लिए है वो है आप आंखें ब्लिंक कीजिए इसे जो है आपको हर रोज करना है हर रोज अगर करना भूल जाते हो तो एक अलार्म सेट कर दो या कुछ ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये जो है चीज करनी ही करनी है तो एटलीस्ट आप अगर रोज नहीं वीक में 2 या 3 बार भी कर पा रहे हो इट इज गुड इनफ एंड गाइस जरूरी नहीं है कि नंबर है तो ही करो अगर नंबर नहीं है तो भी करो क्योंकि आपकी आंखों को ब्लड सर्कुलेशन की बहुत जरूरत है ये जो 1 मिनट तक आप ऐसे ब्लिंक करके आंख खोलते रहोगे ना बंद खोल करोगे तो इससे क्या है कि आंखों में जो है ल्यूब्रिकेशन मिलेगा और जो है आंखों की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी होगी और आंखें अगर आपकी ड्राई है तो मॉइस्चर भी होगा आंखों के अंदर गीली होगी हमारी आंखें क्यों क्योंकि हम समझते कि सिर्फ मॉइस्चर स्किन को जरूरत है बॉडी को जरूरत है बट हमारी आंखों को भी मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो ये है कि आपको जो है हेड को है राइट लेफ्ट अप डाउन करना है बट आंखों को स्ट्रेट रखना है मैं दिखाती हूँ इससे जो है आपकी अगेन आंखों की मसल स्ट्रांग हो जाएगी और जो है आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो दूर हो जाएगा तो ऐसे अगर स्ट्रेट देख रही हूं तो मैंने ये मैंने कर दिया स्ट्रेट ही देखे हुए अब जो है अप एंड डाउन स्ट्रेट देख रही हूं स्ट्रेट देख रही हूं मैं
नेक्स्ट वाली पे जो है आपको हेड को स्ट्रेट रखना है, आंखों को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करना है. तो ये मेरा हेड है स्ट्रेट, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. वीडियो में शायद से इतना क्लियरली मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे को कैमरे में देखना भी पड़ रहा है, बट आप खुद करोगे तो आपको खुद जो है महसूस हो जाएगा. ज्यादा अगर आपको स्ट्रेन पड़ रहा है वहां तक मत कीजिए. इससे करने से क्या होगा कि आपकी जो नजरें राइट साइड लेफ्ट साइड हर डिरेक्शन में देखने वाली जो नजरें तेज हो जाएगी. इसी के साथ साथ यू कैन डू वन मोर थिंग. आप जो है आंखें खुली रख के सर्क्यूलर मोशन में ऐसे ऐसे कीजिए, ये ऐसे. इसके बाद आंखों को बंद कीजिए एंड जस्ट रिलैक्स. एक मिनट तक के आपकी एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए. ये रिलैक्स जो है आप कभी भी कर सकते हो. मे बी आप शायद ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ट्रेन, रिक्शा, जहां, कार में, जहां पे भी हो, आप एक या दो मिनट के लिए आंखों को बंद करके रिलैक्स कीजिए. व्हाई? क्योंकि हम आंखें सिर्फ तब बंद करते हैं जब हम सो रहे होते हैं. इसके अलावा तो हमारी आंखें पूरा टाइम खुली होती है. हमारी आंखें हमारे लिए काम ही कर रही होती है. कभी जो है हम आंखों को रिलैक्स करते हैं नहीं. तो ये रिलैक्स करना आंखों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सोने वाला रिलैक्सेशन नहीं बल्कि जगे हुए आंखों को बंद करके उन्हें रिलैक्स कीजिए. एक दो मिनट कीजिए एंड देन यू कैन जस्ट ओपन योर आईज. आंखें बंद करके रिलैक्स करके जब हो गया उसके बाद में एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है आपकी आंखों को सर्क्यूलर मोशन में घुमाइए. आंखों को बंद करे हुए ही सर्क्यूलर मोशन में घुमाइए. तो आपको आई होप पता चला कि एक्सरसाइज जो है करने से आंखों की मसल स्ट्रांग होती है और जो है प्लस अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेम वे हम क्या करते हैं, सिर्फ नजदीक वाली चीजों पे स्ट्रेन करते हैं आंखों को. छोटी छोटी जितनी चीजें देखोगे उतना आंखों में ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. सबसे बड़ा खिलौना है हमारा मोबाइल फोन. बहुत ही बेकार है, हम ऐसे ही देख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी नजदीक की नजरें हैं सिर्फ वही फोकस रह रही है. बट अचानक से नजदीक की चीजें छोड़कर एकदम दूर की चीजें देखो आंखों को कितनी तकलीफ होगी. तो गाइज ये एक्सरसाइज भी करो कि जब आप कहीं पे भी खड़े रहो और 10 फीट की दूरी पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे फोकस करो. जैसे मैं एग्जांपल वहां देख रही हूँ, वो आइडियली मेरे यहाँ से 10 फीट दूर है यहाँ से, तो मैं वहीं पे फोकस करूंगी मैं एक मिनट के लिए. उसके बाद 20 फीट के ऑब्जेक्ट तक के फोकस करो. इससे क्या होगा कि आपकी नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, नजदीक और दूर की नजर जो है वो तेज होगी. स्पेशली दूर की नजर को तेज रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज सारा मोबाइल में मत दो टाइम, पूरा थोड़ा दूर की नजरों को भी फोकस करके उसे एक्टिव रखो. क्योंकि अगर आप दूर की चीजों को देखोगे ही नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि दूर की नजरें ही जल्दी खराब हो जाएगी. ये एक्सरसाइजेस को फॉलो करने के साथ में बेट्स मेथड भी है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है. नंबर्स को हटाने के लिए आप वो चीज भी जो है फॉलो कर सकते हो. सबसे ज्यादा नंबर आने का रीजन क्या है, एक ही चीज पे स्ट्रेस किए जा रहे हैं या फिर ज्यादा धूप में. तो सनलाइट, यूवी लाइट जो है उससे जो है हमारी आंखों की नस डैमेज हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो जाता है कभी कभार. इट कैन डैमेज योर ऑप्टिक नर्व. कोई भी जॉब ऐसा है जिसमें कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली बैठना है आपको, तो बीच में एक मिनट का ब्रेक ले लो जहां पे आप आंखें बंद करके ऐसे रिलैक्स कर रहे हो. तो उसमें क्या है, आंखों की मसल्स जो है वो आपकी थक नहीं जाएगी ज्यादा. देन जो है हम सन में डायरेक्टली चले जाते हैं, चश्मा नहीं लगाते. गाइस चश्मा सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होता है, चश्मा जो है मेन आपकी आंखों को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए. यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस जो है अवेलेबल है लेंस कार्ट पे, आप वो ले सकते हो. और फोन को जो है डायरेक्टली मत देखिए, फोन की स्क्रीन को आप नाइट मोड में डाल के यूज करो. देन आप पढ़ते टाइम या फिर मोबाइल यूज करते टाइम जो है एंटी ग्लेयर्स यूज कर सकते हो. एंटी ग्लेयर्स लेंस कार्ड पे अवेलेबल है जिसमें नंबर्स नहीं होते, बट बेसिकली ऐसे टाइप का ग्लास होती है उसमें जो आपको डायरेक्टली हार्श यूवी लाइट और जो है फोन की हार्मफुल लाइट से आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है. तो अगर आपके पास नंबर्स नहीं भी है तो प्लीज आप उसकी आदत डाल दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी यूज करती हूँ एंटी ग्लेयर्स फोन यूज करते टाइम. लाइट में सोना बंद कर दीजिए. आई नो कि हर किसी के पास में खुद का बेडरूम नहीं होगा, आप शेयर करते होगे किसी के साथ. अगर सामने वाले को जो है लाइट चालू रखनी किसी काम की वजह से तो आपको तो लाइट में सोना पड़ेगा, बट अवॉइड इट. आंखों पे आई मास्क लगा के सो जाओ
या तो फिर कोई दुपट्टा या कपड़ा कुछ भी रखो, बट डायरेक्टली आंखों को ऐसे लाइट में रख के सोना इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. मोबाइल फोन भी जब हम बस ट्रेन में यूज करते हैं छोड़ दो, हम क्या करते हैं चैटिंग करते, मतलब बस ट्रेन वगैरह में मोबाइल फोन यूज करते हैं, हम चैट करते हैं, हमें पता नहीं चलता है. बट जब एक व्हीकल मूव हो रहा है वो टाइम जो है लेटर्स भी मूव हो रहे हैं, जितने छोटे लेटर ऊपर से साथ में जो है गाड़ी मूव हो रही है, आंखों को उतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है. सो प्लीज अवॉइड डूइंग इट. अब बात करते हैं किन चीजों से आंखें जो है विजन इम्प्रूव हो सकता है. तो मैंने आपको सारी एक्सरसाइज बताई, वो तो डेफिनेटली एक है, और जो है लाइफस्टाइल चेंज. ऑब्वियसली स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एंड ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि हमारी आंखें भी जो है ड्राई नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चराइज होनी चाहिए. एंड देन यू कैन डू मसाज, आपके जो तलवे हैं पैर के तलवे उसे आप मसाज कीजिए, क्योंकि हमारे पैर के तलवों में जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली जो है हमारी ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है. तो आप तलवे में कोई भी टाइप का तेल लेके मसाज कर सकते हो, और यही चीज मानी जाती है कि जब आप नंगे पैर घास पर चलते हो वो भी एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मानी गई है, बहुत पुराने जमाने से मानी गई है. नंगे पैर जो है सिर्फ घास पर आपको चलना है. अगर आप कंप्यूटर के सामने कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो ट्राई एंड कीप लाइक अ ग्रीन प्लांट, अगर ग्रीन प्लांट रखो और उसे ऐसे देखते रहो, ग्रीनरी जो है वो काफी इफेक्टिव प्रूव हो चुकी है आंखों के विजन को बेटर करने में. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी आंखों को जरूरत है ए, विटामिन ए एंड सी एंड ई. ए और ई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारे तो आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में अडैप्ट कर लिया, हम लोगों ने पिज्जा बर्गर यही सब खाते हैं, हम मेन चीजें छोड़ दी हमने. बट गो फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, ये सारी चीजें, और विटामिन सी जिसमें मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन सी की आप डॉक्टर से कंसल्ट करके टैबलेट्स भी ले सकते हो, और ओमेगा फैटी एसिड जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आइज के लिए. ये जो है आपको फिश में मिल सकते हैं, या फिर फिश लिवर ऑयल भी आप ले सकते हो. सो डाइट को चेंज करो. बहुत सारे टाइप के खाने में जो है नहीं बता सकती हूँ, बट आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि फूड फॉर बेटर विजन ऑफ द आईज, एंड आपको वो चीजें मिलेगी. वो डाइट को आप फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए ये चीज को. ऐसे डायरेक्टली आपको एक या दो हफ्ते में चेंज नहीं आएगा, 5-6 महीने लग जाते हैं चेंज आने के लिए, और बहुत लोगों के नेचुरली जो है स्पेक्टिकल्स जा चुके हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंख में कचरा गया तो प्लीज रब नहीं करते ना, रगड़ देते हैं हम लोग, स्टॉप डूइंग इट. अगर कचरा चला गया तो जस्ट लाइक कामली ऐसे ऐसे करो. लास्ट चीज बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपके मुंह का जो है थूक, आपका सलाइवा. सुनने में आपको गंदा लगता होगा, बट जो है हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, चोट आती थी या कुछ भी होता था तो कहते थे कि आपका जो है बासी थूक है वो लगाओ, क्योंकि हमारे थूक में जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है. जानवरों को देखा होगा, उनके पास कौन होता है बेचारों को दवाई लगाने के लिए, उनको कुछ भी चोट आती है वो थूक से साफ करते हैं उस चीज को. तो आप जो है खुद का जो बासी थूक है उसको भी जो है आंख के जो है वाटर लाइन में आप लगा सकते हो, उससे भी काफी लोगों को फर्क आया है. एंड यस इट वर्क्स. आप चाहे तो इंटरनेट पे सलावा की हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो चेक कर सकते हो. तो कुछ भी होगा आंखों में, इसकी उसकी एडवाइस मत लेते बैठो. ये वीडियो देखने के बाद में भी अगर आपके डॉक्टर जो भी रेकमेंड करते हैं, स्टिल गो फॉर दैट थिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप ये वीडियो में जो भी चीजें बताई है वो फॉलो करेंगे. अगर आपको नंबर नहीं है तो भी आप इसे फॉलो करेंगे गाइज प्लीज, क्योंकि आंखें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है.